वेलकम बैक गाइज मैंने आपको एक चैलेंज दिया था राइट अ पाइथन प्रोग्राम विदाउट यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप लूप और फॉर दिस रिक्वायरमेंट यूजर से आपको एक लिस्ट इनपुट लेना है कंटेनिंग सम नंबर्स एंड आउटपुट कुछ इस तरीके का होना चाहिए सो आउटपुट में सम है इन नंबर्स के डिजिट्स का मीन्स लेट्स कंसिडर द फर्स्ट एलिमेंट टू यहाँ पे एक ही डिजिट है सो द सम विल बी टू लेट्स कंसिडर द सेकेंड एलिमेंट फोर्टी फाइव फोर प्लस फाइव उटपुट विल बी नाइन देन थ्री प्लस टू आउटपुटीन एंड शो ऑन चलिए इसके लिए पायतन प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम ने फॉर लुप और वाइल लुप का यूज नहीं करेंगे दो वेज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा फर्स्ट वन इज यूजिंग नेस्टेड फॉर लुक एंड सेकंड वन इज विदाउट यूजिंग नेस्टेड फॉर लुक सेकेंड वे विल बी माई प्रेफर्ड वे इस क्वेश्चन को देखने के बाद तुरंत आपके मन में एक सॉल्यूशन आया होगा जिसमें आप नेस्टेड फॉर लूप का यूज करेंगे सो so ये जो नंबर से हर एक नंबर को आप विजिट करेंगे बाय यूजिंग फॉर लूप सो फॉर एवरी नम इन यल वन एक नंबर को विजिट करने के बाद आप उसके डिजिट्स को विजिट करेंगे मीन्स आपने फोर्टी को विजिट कर लिया देन फोर्टी के डिजिट्स को आप विजिट करेंगे देन यहाँ पर मैं लिखूंगा नेस्टेड फॉर लुप फॉर एवरी डिजिट इन नम लेकिन एक प्रॉब्लम है फोर्टी फाइव का डे टाइप है इंटेजर दिस इज ऑफ इंटेजर टाइप एंड इंटेजर के ऊपर आप इटरेट नहीं कर सकते फॉर लूप अप्लाई नहीं कर सकते सो so, सबसे पहले हमें इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप सो बिफोर अप्लाइंग नेस्टेड फॉर लूप हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे इंटू द स्ट्रिंग बाय बायजिंग यशटीआर बिल्ट इन फंक्शन एंड पास दिस नम इन टू यस टी आर असाइन इट टू द सेम वेरिएबल ंग वैल्यू एंड इसके ऊपर आप इट्रेट कर सकते हैं एक एक डिजिट को आप विजिट करेंगे सो पहले डिजिट को आपने विजिट कर लिया फोर इसे एड कर देंगे टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सम वन एंड इनिशिलाइज विथ जीरो क्योंकि हमेशा एडिशन स्टार्ट होता है विद जीरो पहले डिजिट को आप विजिट करेंगे सो फोर को आपने विजिट कर लिया सम वन प्लस दैट डिजिट जो डिजिट आपने विजिट किया है लेकिन एक प्रॉब्लम है डिजिट का टाइप क्या है डिजिट का टाइप है ना तो, तो सबसे पहला डिजिट आएगा इंटेजर वैल्यू है सो जीरो so के साथ आप ऐड कर रहे हैं फोर विच इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू पाइथन रूल्स सो डिजिट को हमें फिर से इंटेजर में टेम्परि कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड रीअसाइन टू द सेम वेरिएबल ओके सम वन की करंट वैल्यू है जीरो जीरो में फोर ऐड हो जाएगा इसकी वैल्यू बन जाएगी फोर देन आप सेकंड डिजिट को विजिट करेंगे विच इज फाइव फाइव को टेम्परि इंटेजर में कन्वर्ट किया जाएगा सम वन की करंट वैल्यू है फोर फोर प्लस फाइव विल बिकम नाइन एंड री असाइन टू द सम वन वेरिएबल अगेन सो द फाइनल समेशन विल बी नाइन फॉर फोर्टी फाइव देन फाइनली हम इसे प्रिंट कर लेंगे सो so, प्रिंट कर लेता हूँ सम वन और इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग एक न्यू लिस्ट में बनाता हूँ आउटपुट एंड इस आउटपुट को मैं अपेंड कर लेता हूँ सो इनिशियली ये एम होगा एंड जो सम आएगा मैं इसे अपेंड कर देता हूँ सो अपेंड द सम वन एंड फाइनली प्रिंट करते आउटपुट को सो so, आउटपुट में आपको एडिशन दिखेगा आउटपुट को प्रिंट करने से पहले यल को भी प्रिंट कर लेते हैं यल वन एंड रन नाउ सो रन करता हूँ पाए एक्जाम्पल डॉट पाए एंड यू विल सी टू फोर एंड फाइव का एडिशन नाइन थ्री एंड टू का फाइव सिक्स वन सिक्स का थर्टीन लेकिन यहाँ पे आपने नेस्टेड फॉर लूप का यूज किया है जो मैंने नहीं बोला था करने के लिए अब चलिए कैसे इस फॉर लूप को हटा सकते हैं हम इसके बारे में बात करते हैं सो नेस्टेड फॉर लूप को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है लेकिन आउटर फॉर लूप को आपको रखना ही पड़ेगा विदाउट दिस सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल लेट्स कंसिडर कि आपने सिक्स वन सिक्स को विजिट किया यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुझे कुछ इस तरीके का लिस्ट चाहिए कंटेनिंग डिजिट सिक्स देन सेकेंड विल बी सेकेंड डिजिट एंड थर्ड विल बी थर्ड डिजिट आप लिस्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं लेकिन ये एक इंटेजर है इंटेजर के ऊपर आप लिस्ट फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते तो सबसे पहले हमें इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा सो लेट्स कन्वर्ट इन टू द स्ट्रिंग सो आई एम राइटिंग हेयर यस्टर ऑफ नम एंड असाइन टू द सेम वेरिएबल नम अब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू द लिस्ट बाय यूजिंग लिस्ट फंक्शन इफ आई राइट हियर लिस्ट ऑफ नम मैं इसे प्रिंट करके देखता हूं टेम्पररीली मैं इन्हें कमेंट करता हूं लेट्स रन नाउ एंड हियर यू विल सी एक एक नंबर के डिजिट से यहां पे अब इनके ऊपर क्या मैं सम अप्लाई कर सकता हूं इफ आई राइट द डिजिट्स प्रेजेंट इन द लिस्ट लेकिन यहां पे प्रॉब्लम होगा क्योंकि लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स है इफ आई रन इट इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन टाइप एरर बोल रहा है कि इंट एंड एस का एडिशन नहीं हो सकता क्योंकि ये एस है इसे कैसे भी करके मुझे इंटेजर्स में कन्वर्ट करना है लेकिन क्या सोल्यूशन है पाइथन में यहां पे अगर आपका फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्ट्रांग होगा तो आपको एक मैप फंक्शन याद आएगा मैप फंक्शन क्या करता है मैप फंक्शन दो आर्गूमेंट्स लेता है ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आपको एक एक वैल्यू पास करनी है आपके लिस्ट की सो माई लिस्ट विल बी दिस ओके इसकी एक एक वैल्यू में पास करूंगा इंटू दिस इंट फंक्शन इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं मैप में जिस फंक्शन को आपको एक एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है ओके okay? वो फंक्शन ठीक है एंड सेकेंड वन इज लिस्ट आपका डेटा स्ट्रक्चर तो सबसे पहले सिक्स को पास किया जाएगा इंट फंक्शन में रिटर्न में आपको मिलेगा सिक्स ओके okay? एक मैप ऑब्जेक्ट रहेगा सेकेंड वैल्यू आपको मिलेगी इंटेजर वन थर्ड वन इज सिक्स मिलेगी so आप फिर से कन्वर्ट करो okay? एक लिस्ट मिलेगा कंटेनिंग इंटेजर वैल्यूज ओके मीन्स आपको यहां पे क्या कर देना है जो लिस्ट ऑफ नम है ये जो लिस्ट आपको मिला है इसके ऊपर जस्ट आपको मैप फंक्शन अप्लाई कर देना है सो मैप ऑफ लिस्ट ऑफ नम एंड सबसे पहले आप इसमें पास करेंगे इंट फंक्शन एंड सेकेंड आर्गूमेंट विल बी अ लिस्ट ऑफ नम मीनस दिस लिस्ट अगर आप इसे रन करते हैं मैं इसे कमेंट कर देता हूं एंड रन करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लियर इट एंड रन इट हियर यू विल सी आपको इंटेजर मिल रहे अगर आप इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं सो टाइप ऑफ सम ऑफ दिस हियर यू विल सी क्लास इंट 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 ये इंटेजर वैल्यूज है टाइप को मैं रिमूव कर देता हूं ओके पैरेंस मैच करने गाइस आपको अब जो भी वैल्यू आएगा इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग इट मैं इसे अपेंड कर देता हूं टू द आउटपुट लिस्ट आउटपुट डॉट अपेंड एंड अपेंड द सम एंड दैट्स इट गाइस प्रिंट करो ये एंड प्रिंट करो आउटपुट चलिए रन करते हैं क्लियर इट एंड रन इट एंड यू विल सी इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस स्टेटमेंट आप यहां पे एस टी आर को कट करो रख दो ओके अब आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है सो so, एक लाइन में आपको यहाँ पे पूरा आउटपुट मिल रहा है चलिए अब इसे रन करते हैं एंड हियर यू विल सी एक लाइन में काम बन रहा है सो so, यहाँ पे मैंने नेस्टेड फॉर लूप का यूज नहीं किया है आई होप गाइज यू गॉट द सोल्यूशन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो